घोषणापत्र खुल्लम खुल्ला देशद्रोही और आतंकी तत्वों को प्रश्रय देने वाला जैसे लगता है, ऐसे लगता है जैसे कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ। राहुल गांधी जब अमेठी में नामांकन करते हैं तो कांग्रेस का झंडा लेकर के जाते हैं, और जब राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट पर जाते हैं तो वहां पर हरे रंग का झंडा चांद सितारे के साथ लेकर के कांग्रेस के वजूद को डुबोने का कार्य चलाते हैं। लगता है कि पहले तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान ये जो दो लड़कियों की जोड़ी कांग्रेस ने बनाई थी जनता ने इसको फेल किया। अब तो लगता है बबुआ बुआ की जोड़ी और भाई बहन की जोड़ी भी झूठ बोलने में तो माहिर है ही, लेकिन प्रदेश की 23 करोड़ जनता इन दोनों जोड़ियों को भी पूरी तरह मूंगी खाने के लिए मजबूर करेगी। मैं गया था महाराष्ट्र, मुझे लोगों ने बताया कि कुछ आतंकी कुंभ में कुछ अव्यवस्था फैलाने के साजिश रखते हैं। मैंने कहा बीते दिनों की बात थी, तब समाजवादी पार्टी की सरकार में अयोध्या में आतंकी हमला होता था, काशी में संकट मोचन में आतंकी हमला होता था, कचहरियों पर आतंकी हमला होता था, सीआरपीएफ पर डीएफ के कैंप पर आतंकी हमला होता था। मैंने कहा देखो आतंकवादी और अपराधी हमारी सरकार के समय जानते हैं दो ही जगह है, या तो जेल या राम नाम सत्य है की यात्रा। हमसे लड़ाई हमसे क्या, भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई प्रतिद्वंदी हो तब तो देखा जाए, हमें तो कोई प्रतिद्वंदी ही नज़र नहीं आ रहा। क्यों? इसलिए कि पूरा देश माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विगत मात्र 5 वर्षों के अंदर समाज के अंतिम तबके तक पहुंचाने के लिए तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं दिए हैं, सड़कों की जाल दिए हैं, स्वास्थ्य के प्रति उन्होंने बड़े कार्य किए हैं, शिक्षा के प्रति बड़े कार्य किए हैं, मैं समझता हूँ विपक्ष नाम का कोई हम लोग सामने कोई दिखाई नहीं दिया अब तक। नहीं हिम्मत है माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने, देखिए ना कितने लोगों के पैर मजबूरी में लड़ रहे हैं लेकिन पैर तो पहले ही उठ चुके हैं जमीन से।